हेलो दोस्तों, मैं गिरीश पैनुली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, कैटिया के इस सेशन में आज का हमारा टॉपिक होगा असेंबली का, और मैं यहां पर एक असेंबली कुछ पार्ट्स को असेंबल करके आपको दिखाऊंगा, जिस असेंबली का नाम है बटरफ्लाई असेंबली। ओके, तो हमने यहाँ पर बटरफ्लाई असेंबली के कुछ पार्ट्स बनाए हुए हैं, और उन पार्ट्स को असेंबल करना थ्रू कंस्टेंट, कंस्टेंट का यूज़ करके हम उसको असेंबल कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट करते हैं, आप स्टार्ट में जाएंगे मैकेनिकल डिज़ाइन और असेंबली डिज़ाइन। असेंबली डिज़ाइन में यहाँ पर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल है, जिसमें कि आपका यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, जो पार्ट्स आपने पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है, बटरफ्लाई के जो पार्ट्स आपने पहले से बनाए हुए हैं, उन पार्ट्स को लेकर आना, ठीक है। तो आप तीन मेथड यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट यानी आपके प्री पार्ट जो आपने पहले से बनाए हुए हैं, उनको तीन मेथड के थ्रू हम यहाँ पर लेके आ सकते हैं। पहला मेथड है एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हमने बटरफ्लाई के कुछ पार्ट्स बनाए हैं, सात पार्ट यहाँ पर हैं। तो पहला हम बॉडी पार्ट लेके आते हैं, और मैंने यहाँ से ओपन कर दिया इसको, ठीक है। ओपन करने के बाद में आप इसको यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, तो फिक्स के लिए आपके पास में यहाँ पर एक ऑप्शन है आपका फिक्स कंपोनेंट, और इसको आप सेलेक्ट करके फिक्स कर दें, ठीक है। फिक्स करने के बाद में आप दूसरा मेथड जो है आपका एग्जिस्टिंग कंपोनेंट लाने के लिए, तो इंसर्ट में आप जाएंगे, यहाँ से एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, और वापस आप प्रोडक्ट पर क्लिक करें, यहाँ से आप लेकर आएंगे शाफ्ट, और शाफ्ट में आप इसको ओपन करेंगे तो शाफ्ट इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर मैनिपुलेशन का ऑप्शन है, एक मैनिपुलेशन ऑप्शन है जो कि पार्ट को मूव करने के लिए, किस डायरेक्शन में आपको मूव करना पार्ट को, ठीक है, वो आप यहां से मैनिपुलेशन से सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और ये ड्रैग अलोंग एनी एक्सिस, ठीक है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहां पर इस एक्सिस को सेलेक्ट करें, और एक्सिस के अलोंग इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लें, इस तरह से आप पीछे ले सकते हैं, ओके। अब यहां पर एक कंस्टेंट असेंबली यहां पर आती है, तो कंस्टेंट में आपके पास में यहां पर ऑप्शन है आपका कॉन्साइडेंस कॉन्स्टेंट, इस पर क्लिक करें, और जिस फेस को आपको यहाँ पर टच करना है, यानी फेस को, दो मैटिंग पार्ट, अलग अलग पार्ट के दो मैटिंग फेस हैं, उनको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं, देन ओके, और इसको ओके करने के बाद में यहाँ पर अपडेट कर दें। ये कॉन्स्टेंट आपके हैं यहाँ पर, कॉन्साइडेंस कॉन्स्टेंट, देन अपडेट कर दें, ठीक है। अपडेट करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे तो ये आपके पास में यहां पर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास में रोटेटिंग कंपोनेंट है, तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं थ्रू एक्सिस, ठीक है, वो आपको डीएमयू काइनेमेटिक्स में हम यहां पर बताएंगे, ठीक है, डीएमयू काइनेमेटिक्स से इसको रोटेट करना। लेकिन अभी यहां पर आपका ऑब्जेक्ट सही पोजीशन पे है, और नेक्स्ट आप यहाँ से वापस थर्ड जो आपका मेथड है, वहाँ से प्रोडक्ट पे राइट क्लिक करके आप कंपोनेंट में और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का यूज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में आप यहाँ से इसका रिटेनर का रिटेनर प्लेट आप यहाँ पर लेके आएंगे, देन ओपन, ओके। यहाँ पर मैनिपुलेशन में वापस आप देखें तो क्लिक करेंगे जेड डायरेक्शन में, आप इस पे क्लिक करें, ठीक है, सेंटर, इसके सेंटर, और यहां से मूव कर दें, ओके। मूव करने के बाद में आपके वापस यही आपका एक्सिस टू एक्सिस, ओके, थ्रू कॉन्सिडेंस कंस्टेंट, तो आप इसको सिलेक्ट करें एक्सिस का, और यहां से आप आउटर सर्कल के आउटर बॉडी पर आप क्लिक कर सकते हैं एक्सेस शो करने के लिए, और इसको वापस, ये अपडेट है ऑलरेडी इसलिए अपडेट शो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपका एक्सेस टू एक्सेस मैच हो चुका है। और एक एक्सेस हम मैच और करेंगे, ये होल की एक्सेस होगी, किसी एक होल की एक्सेस को आप मैच कर सकते हैं यहाँ पे,
और इसी तरह से आप इसको सेलेक्ट करें। ओके देन कॉन्टेक्ट कंस्टेंट यानी फेस टू फेस मैच करना, आप इस फेस को सेलेक्ट करें, इस फेस को सेलेक्ट करें और अपडेट कर दें। ओके तो ये इस तरह से अपडेट हो जाएगा, आपके दोनों पार्ट यहाँ पर मैच कर जाएंगे। इसके बाद एक प्लेट आपका बीच में लगती है, ये रिटेनर प्लेट है, तो आप वापस राइट क्लिक करके कंपोनेंट और एग्जिस्टिंग कंपोनेंट का यूज़ करते हुए प्लेट प्लेट को लेके आइए। ठीक है, रिटेनर आपको बाहर वाला पार्ट पर, ये आपका प्लेट यहाँ पर लेके आएंगे, ओपन करेंगे। ओके और इसको थोड़ा सा आप मूव करके आप यहाँ से भी ये आपका कंपास है, इसको हम कंपास कहते हैं, आप इसको भी सेलेक्ट करते हुए और प्लेट के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ से इसको मूवमेंट दें। कंपास में आपका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, आप इसको मूव भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका रोटेट हो रहा। ओके, दूसरा रोटेशन आपका इस तरह से। ठीक है, तीसरा रोटेशन आपका ये, सॉरी ये मूवमेंट है, ये वाला आर्क जो है ना, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं रोटेट करने के लिए। ओके और हमको इसको इस तरह से लेना है, तो होल टू होल मैच हमको करवाना है यहाँ पे। ठीक है, होल टू होल मैच करवाना है। अभी हम एक्सिस टू एक्सिस मैच करेंगे, तो कॉइंसिडेंस इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, इसके एक्सिस को सेलेक्ट करें और इस होल की एक्सिस को सेलेक्ट करना है। अपडेट, उसके बाद में दूसरा होल यहाँ पे वापस। अपडेट और देन फेस टू फेस मैच करना कॉन्टेक्ट कंस्टेंट के थ्रू, आप इस फेस को सिलेक्ट करें और रिटेनर का इस फेस को सिलेक्ट करें, इसको अपडेट कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी मैच हो जाएंगी। नेक्स्ट आर्म, यहाँ पर नेक्स्ट कंपोनेंट आपको लेके आना है, तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आर्म आप सेलेक्ट करें, या आर्म से पहले आप स्क्रू लगा लें। ठीक है, स्क्रू हमारे पास में है, तो स्क्रू को भी हम यहाँ से मूव करेंगे। ये आपका स्क्रू है, तो स्क्रू के लिए आप वापस मैनिपुलेशन में जा सकते हैं, या आप यहाँ से कंपास का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैनिपुलेशन में मैंने यहाँ से जेड डायरेक्शन इसका क्लिक कर दें और यहाँ से इसको मूवमेंट दे दें। ठीक, ओके, बाहर की तरफ। इसके बाद वापस कौन साइड, एक्सिस एक्सिस एन अपडेट और फेस टू फेस मैच करना, इसका फेस सेलेक्ट करें, देन इस फेस को सेलेक्ट करें स्क्रू के और इसको अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद देखें आपके पास में यहाँ पर ऑप्शन आपके पास में आता है, अगर आपने इसको पैटर्न के थ्रू अगर राउंड किया आपने पैटर्न के थ्रू, ठीक है, तब तो आप यहाँ पर एक रीयूज पैटर्न का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हुए, स्क्रू को सेलेक्ट करते हुए रीयूज पैटर्न, ओके, और उसके बाद में आप होल को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये शायद आपका रीयूज उससे नहीं है। ठीक है, पैटर्न के थ्रू नहीं है, इसलिए हम इसका यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ओके, इसका यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये होल सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो हम क्या इसको
एक एक करके हम इसको लेके आ सकते हैं। या फिर वन मिनट वन मिनट वन मिनट हाँ, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करें कि इसको ऑब्जेक्ट लेके आए हैं वापस, राइट क्लिक, कंपोनेंट, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, देन स्क्रू, ओपन, ओके, वापस कॉन्साइट की एक्सिस, देन स्क्रू की एक्सिस, देन ओके। इसके बाद में यहाँ से फेस कनेक्ट कांटेक्ट कंस्टेंट इसका यूज करते हुए, देन अपडेट, और इसी तरह से हम थर्ड कंपोनेंट यहां से लेके आएंगे। स्क्रू इसको ड्रैग करें, ठीक है। कंपास बहुत यूजफुल टूल है यहाँ पर, कॉन्टेक्ट कंस्टेंट एंड सेलेक्ट फेस एंड अनदर फेस सेलेक्ट स्क्रू फेस देन अपडेट, ओके। तो ये तीनों ही आपके स्क्रू यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिए। उसके बाद में नेक्स्ट एक पार्ट और बचा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करें एग्जिस्टिंग कंपोनेंट प्रोडक्ट और आर्म, ओपन, ओके। इसको भी आप इसको ड्रैग कर दें, ठीक है। इस तरह से रोटेट कर दो थोड़ा सा, ओके। और कॉन्साइट एक्सिस टू एक्सिस, इसको एक्सिस को मैच करना, देन अपडेट, और इसके बाद में फेस टू फेस मैच करना। तो आप इस फेस से इस फेस को मैच करवा दीजिए और अपडेट कीजिए, ओके। अगर मैं सपोज इसको रोटेट करना चाहूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन मैनिपुलेशन में आपके पास में विद रेफरेंस एंड ओके, इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से इस पार्ट को मुझे रोटेट करना है, लीवर यहाँ पर हमने लगा दिया, आर्म है, और उसके बाद आप यहाँ पे एक नट आपका यहाँ से टाइट करने के लिए आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट यहाँ से प्रोडक्ट पर जाएंगे, नट देन ओपन, सारे हमने एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसलिए आपका जितना भी ऑब्जेक्ट जो आ रहे हैं बनके वो आपके सेंटर पे आ रहे हैं, ठीक है।
सेंटर पर आ रहे हैं मतलब इसका इट मीन्स आपने प्रॉपर प्लेन के थ्रू बने हुए ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए वो सेंटर में आपके एग्जैक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्सिस मैच करना, यहाँ पर शाफ्ट का एक्सिस, नट का एक्सिस, ओके। उसके बाद में कांटेक्ट कांस्टेंट, आप स्पेस को सिलेक्ट कीजिए, देन स्पेस को सिलेक्ट करें और अपडेट कर दें। तो ये हमारे बटरफ्लाई की कंप्लीट असेंबली हमने यहाँ पर दी है। ठीक है, आप इसको फ्रंट व्यू अगर इसका देखना चाहते हैं, जैसे फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू में आपको इस तरह से नज़र आएगा, ओके। और अगर मैं इसका लेफ्ट सिलेक्शन करता हूँ, ये आपका लेफ्ट व्यू, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ से आप सभी पार्ट में जाके और इसको आप हाइड कर सकते हैं प्लेन को। सभी प्लेन को आप हाइड कर लीजिए, ठीक है, या तो फिर आप पार्ट मोड पे उस चीज को हाइड कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्येक प्लेन को आप यहाँ पर हाइड कर दीजिए। ओके, तो ये आपकी कंप्लीट असेंबली थी, और इसको मैं एक बार और मैनिपुलेशन करके, यस, एक्सिस के थ्रू थोड़ा हम इसको रोटेट करेंगे और एक सही पोजीशन पे लेके आएंगे। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, देखो ये आप इसको घुमा सकते हैं, सॉरी, ये मूवमेंट के लिए एक्सिस को घुमाना, मैनिपुलेशन रोटेट करने के लिए आप इसका यूज करें, ड्रैग, ओके, सेलेक्ट करें और इस तरह से रोटेट आप इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या कि एक फ्रंट सॉरी राइट लेफ्ट व्यू में लेके आ रहा हूँ। लेफ्ट व्यू में आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये चीज कि आपको यहाँ पर सीधा नजर आए, ओके। फ्रंट व्यू, और ये देखिए आप इसको वायर फ्रेम में आप देख सकते हैं, और वायर फ्रेम में ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आता है, तो कंप्लीट इसका जो भी आपको आउटर लाइंस वगैरह देनी हुई आउटलाइंस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देती, तो ये वायर फ्रेम में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट असेंबली थी, बटरफ्लाई असेंबली थी, आइसोमेट्रिक व्यू मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, और यहाँ से हम इसको शेडिंग विद एजेस, ओके। सो तो ये वीडियो आपको असेंबली का कैसा लगा, आप
डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।